हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिक रेसिपी। आज हम बनाएंगे मीठी बूंदी, जिसे बुनिया भी बोलते हैं। इसे हम पूरी, पराठा, दही सभी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं। आप अगर हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर पसंद आए तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम बेसन, बेकिंग सोडा, ऑयल, 1/2 kg के करीब चीनी। सबसे पहले हम बूंदी बनाने के लिए चाशनी तैयार कर लेंगे। गैस पर चढ़ाएंगे पतीला, उसमें डाल देंगे 1/2 लीटर के करीब पानी, चीनी डाल देंगे, 2 से 3 छोटी इलायची क्रश करके डाल देंगे। अब हमें इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है, जब तक कि चाशनी गाढ़ा ना हो जाए। चाशनी मेरा गाढ़ा हो गया है, अब हम इसे ढक के साइड में रख देंगे। बेसन का बैटर तैयार कर लेते हैं। एक बोल में डालेंगे बेसन, 2 चम्मच ऑयल, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर तैयार कर लेंगे। हमें एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इसका बैटर हमें ना ज़्यादा थिक तैयार करना है और ना ज़्यादा पतला। इसे हम विस्कर से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/4 teaspoon के करीब बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और इसे हम एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बैटर मेरा रेडी है। अब हम चढ़ाएंगे गैस पे एक कढ़ाई, उसमें डाल देंगे ऑयल, तेल को अच्छी तरह गर्म होने देंगे। इसके ऊपर हम इस तरह का झारा रख देंगे और हम बैटर चारों साइड फैलाते हुए डालेंगे, हमें बीच में सेंटर में नहीं डालना है। आप देख सकते हैं कि बूंदी कितनी गोल गोल बन रही है। ये बहुत जल्दी क्रिस्प हो जाती है। अब हम इसे एक छन्नी में निकाल लेंगे, जिससे कि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाएगा। सेम इसी प्रोसेस से हम सारा बूंदी रेडी कर लेंगे। बूंदी मेरा रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्प है। अब सारे बूंदी को हम चाशनी में डाल देंगे। और इसे चम्मच से मिला देंगे। इसे हम ढक के 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा बूंदी बनके रेडी है। हम इसे थोड़ा सा गार्निशिंग कर देंगे ऊपर से। अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।